भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारा वीडियो का विषय हिस्ट्री ऑफ जींद। ये जींद एक ऐतिहासिक शहर है। पांडवों के समय में भी यहाँ पांडव लोग आए थे। इसके आसपास भी जोनी कई धार्मिक स्थान हैं, जैसे पांडु पिंडारा, रामराय और पोंकरी खेड़ी इत्यादि। यहाँ जयंती देवी का मंदिर है, उसी के नाम पांडवों ने जयंती देवी की पूजा की थी और उसी के नाम पर इस नगर का नाम जयंती नगर पड़ा और जयंती नगर से बिगड़कर ही जींद शहर बन गया। आज हम जींद में जो जींद की रियासत थी उसके बारे में बताना चाहते हैं। जींद रियासत की नींव राजा गजपत सिंह ने सन 1763 के अंदर रखी थी। हमें पता है कि इस हरियाणा के अंदर पानीपत की तीन लड़ाइयाँ हुई। पहली लड़ाई 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, दूसरी जो है 1556 के अंदर अकबर और एमू के मध्य, और तीसरी लड़ाई जो 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुई थी। इसके अंदर मराठों की हार हुई और मराठे दिल्ली से सदा सदा के लिए विलुप्त हो गए। अहमद शाह अब्दाली जाते समय अब सर हिंद का गवर्नर जोनी जैन खान को और जोनी दिल्ली का गवर्नर नजीब खान को बनाकर गया था। सिखों ने इकट्ठे होकर सन 1763 के अंदर सर हिंद के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैन खान मारा गया और उसका इलाका जो था ने जो सरहिंद के गवर्नर के नीचे आता था, जो 220 मील लंबा और 160 मील चौड़ा था, जो वो जमुना से लेकर बहावलपुर रियासत और पंजाब लाहौर तक फैला हुआ था, सिखों ने इसको बांट लिया। इस लड़ाई के अंदर राजा गजपत सिंह भी शामिल था और उसके हिस्से में सफीदों, करनाल, पानीपत और जींद आए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि राजा गजपत सिंह ने 1765 के अंदर जींद को अफगानों से जीता था। राजा गजपत सिंह ने 1764 के अंदर जो करनाल के अंदर एक किला भी बनवाया था, जिसके अंदर आज भी तहसीलदार ऑफिस है। उसने सफीदों के अंदर भी किला बनवाया और जींद के अंदर भी 1775 के अंदर एक किला बनवाया था, जिसका नाम फतेहगढ़ किला था। राजा, हम जानते हैं कि सिखों की 12 मिसलें थी, जिनमें एक सिख एक मिसल फुलकिया मिसल थी। जींद के राजाओं का जो बुजुर्ग था उसका नाम फूल था। फूल के जो 6 बेटे हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम तिलोका था, दूसरे का नाम रामा था। रामा के वंशज जो पतियाला रियासत के राजा बने और जो तिलोका के 2 बेटे हुए, गुरदित्ता और सुखचैन। गुरदित्ता के वंशज जो थे वो नाभा के राजा बने और सुखचैन के 3 पुत्र हुए, आलम सिंह, गजपत सिंह और बुलाकी सिंह। इसी सुखचैन के दूसरे पुत्र गजपत सिंह ने ही नीम रियासत की नीम रखी थी। 1764 के अंदर उसके बड़े भाई जो है आलम सिंह की मृत्यु हो गई और उसे बालनवाली का राज्य भी मिल गया। उसने अपने बड़े भाई की रानी के ऊपर चादर भी डाल दी, जिससे उसका एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम बेगमा था। राजा गजपत सिंह की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिसका रानी का नाम गजपत कौर था, जो मानसिया खानदान की थी। और जो है नी उसके 3 पुत्र, ईश्वर अपनी रानी से 3 पुत्र और 1 बेटी पैदा हुई, जिसका नाम, बड़े बेटे का नाम मोहर सिंह, दूसरे का जोनी बाग सिंह और तीसरे का नाम भूप सिंह था। बेटी राजकौर की शादी शुक्र सकिया मिसल के राजकुमार महान सिंह के साथ, जो कि चंद्र सिंह का पुत्र था और जो बाद में महाराजा रणजीत सिंह का पिता बना, जो उसके साथ वही बदरू खान में जहाँ राजा गजपत सिंह रहते थे वहाँ की गई थी। इस उसकी बारात के अंदर जो है नी बदरू खान के नज़दीक जो नी नाभा का जंगल, नाभा के राजा का जंगल था और नाभा के राजा के वजीर याकूब खान ने बारातियों की बेइज्जती की थी, जब वो जंगल में घोड़े चरा रहे थे। गजपत सिंह तब तो चुप रहा, लेकिन मौका पाकर उसने अमीर सिंह को बीमारी का बहाना बनाकर अपने पास बुला लिया। उसके साथ याकूब खान भी आया। राजा ने याकूब खान का कत्ल करवा दिया और अमीर सिंह को जोनी वो अरेस्ट कर लिया। इस प्रकार उसने नाभा रियासत के संगरूर, जो कि अमीर सिंह के पिता सुरतिया ने बसाया था, संगरूर, अमलोह और बडसान पर कब्जा कर लिया। पटियाला राजा के हस्तक्षेप के बाद जोनी उसने बडसान अमरों को छोड़ दिया, लेकिन संगरूर आखिर तक 1948 तक जींद रियासत के पास ही रहा। और सन 1857 में संगत सिंह ने जोनी
संगरूर को जींद रियासत की राजधानी भी बना दिया था। अब हम आते हैं जींद के अंदर, राजा गजपत सिंह ने 1775 के अंदर एक किला बनवाया जिसका नाम फतेहगढ़ साहब था। 1775 में ही झांसी के मुगल गवर्नर रहीम दाद खान ने राजा गजपत सिंह पर आक्रमण कर दिया। इसमें नाभा, पटियाला, जींद, कैथल, लाडवा और थानेसर के सिख राजाओं ने हिस्सा लिया। रहीम दाद खान मारा गया। उसका आज भी जींद में मकबरा है, यह मकबरा किले के बाहर है और कितनी विडंबना है कि आज राजा सिंह गजपत सिंह की जींद के अंदर बहुत कम यादगार बची है, जबकि रहीम दाद खान के मकबरे के ऊपर हर वीरवार को जो भी प्रसाद चढ़ा जाता और पूजा की जाती है। यह इस देश का दुर्भाग्य और अनपढ़ता ही है कि हारने वाले की पूजा होती है और जीतने वाले का नाम बहुत कम लोग याद, आज बहुत कम लोगों को याद है। राजा गजपत सिंह ने 1780 के अंदर जोनी मेरठ के ऊपर भी चढ़ाई की थी, जिसके अंदर जिसमें राजा गजपत सिंह की हार हुई और सफी बेग ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन बहुत सा धन देकर राजा गजपत सिंह को छुड़वा लिया गया। राजा गजपत सिंह को बादशाह शाह आलम ने 1772 के अंदर राजा की उपाधि दी थी। उससे पहले जोनी शाह आलम के वजीर नजीब बेग ने 1767 से 1770 तक मालिया न देने के कारण जोनी राजा गजपत सिंह को अरेस्ट भी कर लिया था। राजा गजपत सिंह की कुछ लोग 1786 कहते हैं, कुछ इतिहासकार 1789 के अंदर मृत्यु हो गई। उसके 1775 के अंदर रहीम दाद खान मारा गया और जोनी जो झांसी हिसार रोहतक का इलाका था वो भी जींद और पटियाला के राजाओं के नीचे आ गया। पटियाला के राजा ने हिसार के अंदर एक किला भी बनवाया था जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के पास था और उसके सामने जोनी बोस्टल जेल थी और राजा पटियाला का किला था। बाद में जोनी ट्रीटी ऑफ जींद 1781 में हो गई, जिसके तहत जो है नी और बहुत सा इलाका वापिस मुगलों को दे दिया गया, लेकिन पंचग्रामी के गांव जैसे कापड़ो, सोता, बाडा, खरक, पुनिया, संदलाना, ज्ञानपुरा, ढाड बदौड़ी, ये जोनी पंचग्राम राजा गजपत सिंह के पास रहे, जिन्हें राजा स्वरूप सिंह ने 1861 में संगरूर के 11 गांव लेकर वापिस अंग्रेजों को दे दिया। 1789 के अंदर राजा गजपत सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र जोनी भाग सिंह जोनी वो गद्दी के ऊपर बैठा, क्योंकि राजा गजपत सिंह के बड़े पुत्र जोनी मोहर सिंह की 1780 के अंदर पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मोहर सिंह का एक लड़का था हरी सिंह, उसकी मृत्यु भी 1791 के अंदर सफीदों के किले से शराब के नशे में गिरने के कारण हो गई थी। उसकी एक लड़की थी चांदकोर जो थानेसर के राजा के साथ ब्याही हुई थी। राजा भाग सिंह जो है को शाह आलम ने भी खुश होकर के जो 1786 के अंदर ही खरखोदा और गोवाना का इलाका दे दिया था। राजा भाग सिंह जो है मराठों का विरोधी था, इसलिए मराठों ने जो 1795 के अंदर करनाल का किला भाग सिंह से जीतकर जॉर्ज थॉमस को दे दिया। 1798-99 के अंदर भी जींद और पटियाला नाभा की सेनाओं की जोनी जॉर्ज थॉमस के साथ लड़ाई हुई जो कि झांसी का राजा था। इसमें नारायणुंद के पास जोनी नारायणुंद में पड़ाव सिख सेनाओं में पड़ाव डाला हुआ था और जॉर्ज थॉमस ने जोनी उनके ऊपर अचानक बास गांव की तरफ से आकर अटैक कर दिया और जिसमें जो जींद की सेनाओं की काफ़ी हानि हुई, लेकिन नाभा की सेना का कोई सैनिक नहीं मारा गया। इसका दोष नाभा के राजा के ऊपर लगा गया। 1801 के अंदर जोनी जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई और 1803 के अंदर जो है नी लॉर्ड लेक अंग्रेज कमांडर आ गया। उसने जोनी उसके और मराठों के अंदर जोनी दिल्ली के लिए झगड़ा हुआ, भाग सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और मराठे 1803 से दिल्ली को खाली करके सदा सदा के लिए गायब हो गए। उसके बाद अंग्रेजों की शुरू शासन शुरू होता है। राजा भाग सिंह ने ही जोनी 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और जो अंग्रेजों के मध्य एक संधि करवाई थी जिसमें सतलुज नदी को अंग्रेज राजा रणजीत सिंह के राज्य की सीमा तय कर दिया गया। इसके अतिरिक्त राजा भाग सिंह लॉर्ड लेक के साथ 1805 के अंदर जब डिगो और फरुखाबाद में जसवंतराव होलकर की हार हो गई
तो वह सहायता लेने के लिए महाराजा रणजीत सिंह के पास गया, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह भाग सिंह का सगा भांजा था। लॉर्ड लेक ने महाराजा भाग सिंह को अपना एजेंट बनाकर रणजीत सिंह के पास भेजा और रणजीत सिंह ने जोनी होलकर की मदद करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार जोहनी भाग सिंह लॉर्ड लेक के काफी नजदीक पहुंच गया और उसे दिल्ली के पास शाहजहानाबाद का इलाका भी जो इनाम के तौर पर दे दिया गया। सन 1809 की संधि के बाद जितने भी सतलुज नदी के इधर की रियासतें थी, जैसे नाभा, पटियाला, जींद, मलेरकोटला, ये सारी अंग्रेजों की प्रोटेक्टेड स्टेट बन गई। और राजा भाग सिंह ऐसा कूटनीतिक था, उसकी नीति के कारण ही अंग्रेज जोनी जींद रियासत की मदद करती रही और ये रियासत 1763 से लेकर 1948 तक चलती रही। राजा भाग सिंह के में तीन रानियां थी, उसकी बड़ी रानी दया कौर से उसका बड़ा बेटा फतेह सिंह था, दूसरी रानी सदर कौर से प्रताप सिंह था जो 1796 पैदा हुआ, और तीसरी रानी सुभराई देवी से जो 1798 के अंदर मेहताब सिंह पैदा हुआ। राजा जो यानी भाग सिंह को मार्च 1813 के अंदर लकवा हो गया। वो अपने दूसरे बेटे प्रताप सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन अंग्रेज इससे खुश नहीं थे। उन्होंने जोनी रानी सुभराई को, जो मेहताब सिंह राजकुमार की माता थी, जींद स्टेट की संरक्षिका बना दिया और इससे प्रताप सिंह नाराज हो गया और उसने विद्रोह कर दिया। जींद की सेनाओं ने भी राजकुमार प्रताप का साथ दिया और 23 जून 1814 को रानी सुभराई और किले के मुंशी जयसी राम का वध कर दिया गया, किले पर कब्जा कर लिया गया। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि राजकुमार प्रताप सिंह अपनी जागीर जोनी मिर्जापुर न्याणा पर रहते थे, वहाँ से आकर ही उसने जींद पर अटैक किया था। अंग्रेज सेना आई तो वह जींद के किलों को छोड़कर बालनवाली का किला जो कि बटीडा के पास है वहाँ चला गया, लेकिन अंग्रेजों ने पटियाला, नाभा और मलेरकोटला की सेनाओं के साथ मिलकर बालनवाली का किला भी उससे खाली करवा लिया। प्रताप सिंह अकाली फूला सिंह के पास चला गया, वहाँ मक्खुवाल में 2 महीने रहा, वापिस आकर बालनवाली पर कब्जा कर लिया। बालनवाली के किसानों ने जो नहीं वो राजकुमार प्रताप सिंह का साथ दिया, लेकिन अंग्रेज अंग्रेज थे, सारे भारत पर उनका राज्य था। अंत में प्रताप सिंह को किला खाली करना पड़ा और वह महाराजा रणजीत सिंह के पास चला गया। महाराजा रणजीत सिंह ने खूनी को जो नहीं शरण देने से इनकार कर दिया और उसने उसे अंग्रेजों को सौंप दिया। अब वहीं जेल के अंदर ही जून 1816 में दिल्ली के अंदर राजकुमार प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। मार्च 1816 के अंदर राजकुमार मेहताब सिंह की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी थी। राजा भाग सिंह 1819 में स्वर्ग सिधार गए और उसके बाद उनका बेटा फतेह सिंह गद्दी पर बैठा। फतेह सिंह की भी 1822 के अंदर मृत्यु हो गई। उसके समय में कोई विशेष काम नहीं हुआ। उसके बाद उसका पुत्र, जो इकलौता पुत्र संगत सिंह, 1822 में गद्दी पर बैठा। जब वह गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र 11 वर्ष थी। उसकी माता उसकी संरक्षिका का बन गई। 1827 में संगत सिंह ने ही जो जींद को छोड़कर संगरूर को राजधानी बनाया था। 1834 के अंदर अधिक दारू पीने के कारण संगत सिंह भी बसिया नामक स्थान पर जो स्वर्ग सिधार गया। उसके बाद गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं था, इसलिए 3 साल जो ने राजा फतेह सिंह की बड़ी रानी ही संगत सिंह की मां स्टेट की संरक्षिका बनी रही। लेकिन 1837 के अंदर जो ने अंग्रेजों ने स्वरूप सिंह को जो नहीं वो राजा स्वरूप सिंह को जींद की गद्दी सौंप दी। राजा स्वरूप सिंह गजपत सिंह के 3 पुत्र थे, मोहित सिंह, भाग सिंह और भूप सिंह। भूप सिंह के 2 लड़के हुए, करम सिंह और बसावा सिंह। करम सिंह का बड़ा लड़का जो ने उस वो लड़का स्वरूप सिंह था और बसावा सिंह के 2 पुत्र थे, सुखा सिंह और भगवान सिंह। इनमें मुकदमा चला, स्वरूप सिंह की जीत हुई और 1837 के अंदर स्वरूप सिंह जींद की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन उसको केवल वही इलाका मिला जो गजपत सिंह के समय में जीता गया था। भाग सिंह के द्वारा जीता गया इलाका उससे छीन लिया गया। इस प्रकार उसको उस जींद स्टेट का रेवेन्यू 2,36,000 रुपये था, वो इलाका जो स्वरूप सिंह को मिला, और 1,82,000 का जिसका रेवेन्यू था वो रियासत का हिस्सा फौर अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। राजा स्वरूप सिंह अंग्रेजों का बड़ा भगत था। उसने
1845 के अंदर पहले सिख और अंग्रेज वार में, फर्स्ट एंग्लो सिख वार में और सेकंड एंग्लो सिख वार में जो अंग्रेजों का साथ दिया, 1800 अंग्रेजों का साथ दिया और वो हमेशा अंग्रेज 1857 के गदर में भी उसने अंग्रेजों का राज दिया। राजा स्वरूप सिंह ने जो है नी, मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा, 1835-36 के 34 से 37 तक जब जींद रियासत की समीक्षा रानी थी, कोई राजा नहीं था, तो बालनवाली के किसानों ने जो यानी विद्रोह कर दिया। वो कम राजा संगत सिंह को मनमर्जी से रेवेन्यू देते थे, लेकिन अंग्रेज रेवेन्यू ज़्यादा लेना चाहते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उनका नेता गुलाब सिंह गिल था, अंग्रेजों की जीत हुई। गुलाब सिंह गिल और उसके साथी जो महाराजा रणजीत सिंह में राज्य में जा रहे थे, लेकिन मामडोट के जमींदारों ने उन्हें पकड़ लिया। गुलाब सिंह की लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया। वो जींद रियासत का पूर्व रिसालदार था। इसमें राजकुमार प्रताप सिंह की रानी सुबराय, माई सुबराय का भी हाथ था। उसका भाई दिल सिंह भी विद्रोहियों का नेता था। 40 विद्रोहियों को पकड़कर मामडोट के जमींदारों ने अंग्रेजों को सौंप दिया और उन्हें अम्बाला की जेल में डाल दिया गया, जिनमें जोनी देसू सिंह ने अपनी कटार पेट में मारकर आत्महत्या कर ली, सुखा सिंह, दिल सिंह और बड़े कई विद्रोही नेता थे। इसी प्रकार सन 1854 के अंदर राजा स्वरूप सिंह सेटलमेंट का रेवेन्यू अंग्रेजों के पैटर्न पर रेवेन्यू लेना चाहता था, लेकिन जींद के पास लजवाना कला के किसानों ने विद्रोह कर दिया, जिनके नेता भूरा और निंगाइया थे। 6 महीने तक लड़ाई चली। ये विद्रोह 1854 में शुरू हुआ था, 1854 में खत्म हुआ। भूरा और निंगाइया को बाद में राजा दादा गिरधारी के कहने पर राजा ने वादा किया था कि मैं उनको माफ कर दूंगा, कालवा कैंप में पेश किया गया, लेकिन राजा जो नहीं अपने वायदे से मुकर गया और भूरा और निंगाइया को अरेस्ट कर लिया गया। सन 1857 में अंग्रेजों की बहुत, राजा स्वरूप सिंह ने बहुत सहायता की। राजा स्वरूप सिंह ने 1857 के गदर में अंग्रेजों का साथ दिया था। वह अपने 800 सैनिकों को साथ लेकर करनाल के कैंट में चला गया था, समालखा और राय पर कब्जा कर लिया और पूरे जीटी रोड के ऊपर जो नहीं उसने कब्जा करके अंग्रेज सेनाओं की सहायता की थी। इससे पहले राजा स्वरूप सिंह ने दिल्ली में अलीपुर और बादली सराय की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था और अंग्रेजों ने इनाम स्वरूप उसे जीती हुई टॉप भी भेंट की थी। उसके बाद जो है नी राजा स्वरूप सिंह को पता लग गया कि जींद की के लोग भी जो नहीं वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, उसके राज्य में विद्रोह होने का खतरा था। वो लड़ाई को में से वापिस जींद रियासत में आ गया और वहाँ अपने कमांडर कान सिंह को अंग्रेजों की मदद करने के लिए सेना की टुकड़ी के साथ छोड़ाया। इससे पहले मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि सन 1854 में जो गदर से पहले गदर भूरा और निंगाइया जो दलाल गोत के जाट और लजवाना कला के नंबरदार थे किया था, उन्होंने तहसीलदार कौर सिंह को जो निमोत के घाट उतार दिया था। ये लड़ाई चल और थाने पर जो कि लजवाना कला में उस समय एक थाना था उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 6 महीने लड़ाई के बाद पटियाला जींद और अंग्रेजों की सेना ने मिलकर विद्रोहियों को दबा दिया और भूरा और निंगाइयों को कुछ साल के बाद कैद कर लिया। लजवाना कला को तोड़कर उसके 6-7 लजवाने गांव बसा दिए गए, जैसे नंदगढ़, मेरडा, खेड़ी, अकालगढ़ इत्यादि। जो यानी भूरा के वंशज जो नहीं नंदगढ़ में रहते और निंगाइया के वंशज मेरडा में रहते हैं। इस जीत की खुशी में राजा स्वरूप सिंह ने सन 1854 के अंदर जो है नी एक किला, जब फरगढ़ में एक किला भी बनवाया था जिसके खंडर आज भी मौजूद हैं। राजा जो है जींद के लोगों ने 1857 के गदर के अंदर भी हिस्सा लिया था। 18 फरवरी सन 1858 को जो है नी जींद के तहसीलदार उदयबान ने जो 45 लोगों को फांसी पर चढ़ाया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। विद्रोहियों के जो वन परिवार वालों ने जींद के अंदर जो कि दड़ा पर, जींद दड़ा पर स्थित था, तहसीलदार उदयबान के घर को आग भी लगाई थी। सन 1864 के अंदर राजा स्वरूप सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका लड़का रघुवीर सिंह गद्दी के ऊपर बैठा। अंग्रेजों ने 1857 में
अंग्रेज़ों की मदद करने के कारण जो झज्जर की रियासत थी वहाँ के नवाब अब्दुल रहमान को 23 दिसंबर 1857 को फांसी तोड़ दिया था और कि उसकी रियासत का दादरी हिस्सा जो था वो राजा गजपत राजा स्वरूप सिंह को इनाम में दिया, बावल और कांटी का हिस्सा नाभा राजा को और महेंद्रगढ़ का इलाका राजा पटियाला को इनाम में दिया था। दादरी का जब दादरी के अंदर रेवेन्यू 80,000 रुपये के लगभग था, लेकिन राजा स्वरूप सिंह ने अपनी नीतियों के कारण और दबाव से रेवेन्यू को 2 लाख के लगभग पहुँचा दिया। लोग त्राही त्राही करने लगे। वो राजा स्वरूप सिंह के समय में तो दबे रहे, लेकिन जब 31 जनवरी 1864 को राजा स्वरूप सिंह की मृत्यु हो गई और मार्च 1864 में उसका लड़का रघुवीर सिंह गद्दी पर बैठा, तो मई 1864 के अंदर दादरी इलाके के किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में हाकिम कासिम अली का बड़ा हाथ था, क्योंकि हाकिम कासिम अली के पास 11 गांव थे जो सांगवानों के थे और हाकिम अली उनसे रेवेन्यू कम बहुत कम लेता था। नंबरदारों की पूरी चौधर थी, लेकिन स्वरूप सिंह ने उनकी चौधर को कम कर दिया था और रेवेन्यू को बढ़ा दिया था। वो विद्रोह कर उठे। इस विद्रोह को दबाने के लिए राजा रघुवीर सिंह 8 मई 1864 को दादरी पहुंच गया। उसने बोंद कला गांव में और दादरी शहर के अंदर पंचायतें भी बुलाई, लेकिन विद्रोही नहीं माने। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा, राजा रघुवीर सिंह दादरी में जवाहर सिंह चौधरी जवाहर सिंह की लड़की जो एक जमींदार था समा कौर के साथ ब्याहे हुए थे, उसी से उनके लड़का बलबीर सिंह पैदा हुआ था और एक लड़की भी पैदा हुई थी जो कलसिया के राजा के साथ ब्याह दी गई थी, जो छछरौली के आसपास का इलाका है। राजा रघुवीर सिंह 1500 सैनिक 350 घुड़सवार और 4 तोपों के साथ दादरी पहुंच गया। विद्रोही नेता नहीं माने। राजा रघुवीर सिंह ने 14 मई 1864 को चरखी के ऊपर जहां 2000 के लोग किसान इकट्ठे हुए थे और उनका नेता ईरानंद सांगवान जाट था अटैक किया। विद्रोहियों की हार हुई और चरखी गांव की को आग के हवाले कर दिया गया। फिर विद्रोही गांव मानकवास में इकट्ठे हो गए। वहां भी धोनी राजा ने 14 मई को ही अटैक किया। विद्रोहियों की हार हुई और गांव मानकवास को आग के हवाले कर दिया। निर्णायक लड़ाई 16 मई 1864 को झोजू कला गांव में हुई, जहाँ झोजू कला गांव में विद्रोहियों का नेता लाल सिंह लालिया सांगवान जाट था। विद्रोहों की हार हुई, लेकिन लालिया ने माफी मांग ली, उसे जिंदा छोड़ दिया गया। जींद रियासत के गजट 1904 में लिखा है कि यह लड़ाई 6 सप्ताह के अंदर शांति कायम की गई, लेकिन लोग कहते हैं कि 6 महीने तक विद्रोही जो ने विद्रोह करते रहे। बाडड़ा के थाने पर जो हनी वो कब्जा कर लिया गया, थानेदार को अरेस्ट कर लिया गया। इसी जीत की खुशी में राजा रघुवीर सिंह ने सन 1868 के अंदर जो हनी बाडड़ा के अंदर किला बनाया गया, जिसको जींद रियासत का काला पानी कहते थे, और इसी किले के अंदर कमांडेंट कान सिंह को अरेस्ट करके जेल में डाला गया था। राजा रघुवीर सिंह ने 1872 के अंदर कूका मूवमेंट में भी अंग्रेजों का साथ दिया, या इसके अतिरिक्त 1877-78 में अफगान युद्ध के समय भी अंग्रेजों का साथ दिया। राजा रघुवीर सिंह ने अपने पुत्र बलबीर सिंह और कमांडेंट कान सिंह को जो नहीं वो जेल में डाल दिया, क्योंकि उसको शक था कि वे उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। जेल के अंदर ही बलबीर सिंह के जो यानी एक पुत्र पैदा 1879 के अंदर जींद का आखिरी राजा रघुवीर सिंह पैदा हुआ, और बलबीर सिंह की एक पुत्री भी थी जो 1883 में ही पैदा हुई थी, जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह मथुरा वाले के साथ ब्याही हुई थी। राजा महेंद्र प्रताप एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने 30 साल विदेश में काटे और 1957 से 1962 तक वो मथुरा से MP भी बने थे। राजा रघुवीर सिंह की जोनी 1887 के अंदर मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उनका पोता रणबीर सिंह गद्दी पर बैठा, जो 1948 तक रहा। रणबीर सिंह गद्दी पर बैठे समय उसकी आयु 8 वर्ष थी और जोनी राज्य का काम का चलाने के लिए एक कौंसिल बनाई गई। रणबीर सिंह ने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया और जोनी अंग्रेजों की सहायता की। 1947 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया।
लेकिन जींद के राजाओं ने जो नहीं वो गद्दी को नहीं छोड़ा और उन्होंने 20 अगस्त 1948 को अपनी रियासत का विलय पेप्सू में कर दिया। या मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा, मार्च 1948 के अंदर राजा रणवीर सिंह संरक्षित हार गए और उनकी गद्दी के पर उनका बड़ा बेटा राजवीर सिंह बैठा, जो 1959 के अंदर संगरूर में संरक्षित हार गया और उसके बाद उनका पुत्र सतवीर सिंह गद्दी पर बैठा, जो आजकल गुड़गांव में रहता है। बस।